नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम मीन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने को विशेष तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। इसको जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपकी राशि में राहु महाराज गोचर करने लग गए हैं और आपके जो सप्तम स्थान में कन्या राशि में केतु महाराज का गोचर हो गया है और उसी के साथ साथ शनि मार्गी हो गए हैं और सबसे पहले केतु के साथ जिस ग्रह का मिलन होने वाला है वो शुक्र ग्रह है जो आपके सप्तम स्थान में इनके साथ मिलन करेंगे 2 नवंबर को। तो इसलिए जो आपकी मीन राशि है और कन्या राशि है इन दोनों ही राशियों के लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मिल जाता है या कुछ अचानक लाभ की परिस्थितियां या जीवन में अचानक घटनाएं घटने की परिस्थितियां आपकी मीन राशि वालों के जीवन में बन सकती है। देखिए उसका बहुत सिंपल सा कारण है, ग्रहों के गोचर होते हैं और जो आपके पास सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है, ये सब गोचर करते हैं। परंतु राहु और केतु का जो गोचर है जो लगभग 18 महीने के बाद एक जो राशि को वो भोग करके आगे निकलते हैं और पूरा 360 डिग्री का जो चक्कर है ये 18 साल में पूर्ण करते हैं, तो इनका गोचर बहुत ज़्यादा जरूरी या परिवर्तन वाला क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि जो आपके बृहस्पति है और शनि महाराज हैं वो जो है वो हमारे इस जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे को परिणाम देते हैं, परंतु राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमने पूर्व जन्मों में कर्म किए होते हैं उसका प्रारब्ध स्वरूप जो भोग भोगना होता है वो इन ग्रहों के द्वारा देखा जाता है। इसीलिए जब भी राहु या केतु की दशा आती है या राहु केतु का गोचर होता है तो कई बार देखा गया है जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में राहु हो, आपका उपचे हाउसेस में राहु हो, तो व्यक्ति जो है वो रंक से राजा बन जाता है, वो जमीन से वो आसमान की बुलंदी को छूना शुरू कर देता है। और वहीं उसके उलट अगर राहु केतु की परिस्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो राहु केतु का गोचर या राहु केतु की दशा अंतरदशा व्यक्ति को जो है वो रंक तक बना देती है, राजा से रंक बनने की परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती है, वो जमीन में उसको मिला देते हैं, नेस्त नाबूद कर देते हैं, हर चीज़ उसकी तबाह या नष्ट हो जाती है। तो ये परिस्थिति आपकी राहु और केतु की वजह से रहती है और वर्तमान में आपकी राशि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब इस समय राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपकी राशि होगी मीन राशि, कन्या राशि और उसके अलावा बुध की जो दूसरी राशि है मिथुन और धनु राशि, ये 4 राशियाँ जो हैं विशेष तौर पर इस गोचर के द्वारा जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है उसके द्वारा जो है वो लाभान्वित होंगी या अगर परिस्थितियाँ जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो ये दिक्कतें भी आपको खड़ी कर सकती हैं। ये कुछ परिस्थिति राहु केतु की से बनने वाली है। परंतु अगर हम आपकी जन्म इस समय आपके गोचर के हिसाब से देखें, शनि जो आपकी राशि में राहु महाराज गोचर करने के लिए आए हैं तो परिस्थिति ये बनने वाली है कि राहु जो होता है वो भविष्य की जो वो फ्यूचर की तरफ देखता है, आगे जो होने वाली चीज़ें उसकी तरफ देखता है, और वहीं केतु जो है वो पीछे की ओर देखता है, जो पीछे उसने कुछ किया हो उसी के बारे में बात करते रहते हैं। जो केतु प्रधान लोग होंगे वो हमेशा पास्ट की बात करेंगे कि हमारे समय में ऐसा था, हमारे समय में ऐसा होता है, या कोई ना कोई उनका पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है या कर्म होते हैं जिसको वो अपने जीवन में उसके साथ आगे वो जोड़ते रहते हैं। और राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा आगे की बात करता है, भविष्य की बात करता है, वो कहता है कि मैं आगे जा करके इतने करोड़ कमा दूंगा, मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दूंगा, तो ये सब राहु के द्वारा देखा जाता है। और वर्तमान में मीन राशि वालों के लिए क्योंकि पहले राहु को मंगल की ऊर्जा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वहाँ मेष राशि में दिक्कत थी, मंगल को और अग्नि प्रज्वलित करवा रखी थी मंगल राहु महाराज को मंगल ने, परंतु जैसे ही मीन राशि में इसका गोचर होने वाला है तो बृहस्पति जो हम जानते हैं कि ज्ञान के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं, अंगिरस इनको कहा जाता है, देवताओं के गुरु हैं, तो सही दिशा सही मार्ग व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो इसलिए राहु को अब जो शक्ति मिलने वाली है, जो राहु जो गुण इस समय समाहित किए हुए हैं वो देवगुरु बृहस्पति के गुण होंगे और इसीलिए अब राहु जो है वो अच्छे परिणाम देने की परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली में आ गए हैं। इससे पहले क्योंकि द्वितीय स्थान जो धन स्थान होता है यहाँ पर व्यक्ति को आश्रित रहना पड़ता है, अगर कोई क्रूर ग्रह वहाँ पर बैठा हो तो पैसों के लिए आपको ऐसी दिक्कतें चल रही थी या ऐसे से लोगों का मुंह देखना पड़ रहा था पैसों मांगने के लिए या कोई और चीज़ के लिए जिसके लिए आप कभी आपने पहले सोचा भी नहीं होगा। व्यक्ति को आश्रित करवा देता है, पाई पाई के लिए मोहताज कर देता है, अपनी चीज़ मांगने के लिए भी व्यक्ति जो है वो उसको झिझक हो जाती है, वो मांग नहीं पाता है, दूसरों को पैसा दे रखा है,
पैसा वापस नहीं मिल पाता है, उसके अलावा आपका पैसा खुद का बैंक में है या कहीं और इन्वेस्टेड है, वो पैसा नहीं मिल रहा है, दिक्कतें कोई ना कोई खड़ी रहती हैं। तो राहु ने ये परिस्थिति आपके जीवन में बना करके रखी थी, परंतु अब वित्त संबंधी फाइनेंस संबंधी परेशानियाँ आपकी खत्म हो जाएंगी। अष्टम स्थान की तरह राहु, आप अष्टम स्थान की तरह ही सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड रहता है, तो परेशानियां, दिक्कतें, जो रुकावटें विघ्न बाधाएं आपको थी, कोई ना कोई नज़र आपको लगी हुई थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो सब आप जो है वो जैसे ही बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे वो सब खत्म हो जाएंगी। शनि भी मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, तो उसकी वजह से जैसे ही शनि पॉजिटिव एक्टिवेटेड होकर के आगे की तरफ आए हैं, हालांकि आपकी राशि में 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, परंतु अभी जो 12वां भाव होता है वो हमारा व्यय का होता है, पैसे खर्च करवाने का होता है और इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो अभी जो आपका खर्चा होना है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में होना है, कहीं अच्छे कार्य के लिए आप जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कोई इंडस्ट्रीज खोल ली वहाँ पैसा इन्वेस्ट हो गया, विदेश चले गए उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई, उसके अलावा कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या किसी अच्छे चीज़ों के लिए आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट इस समय होने वाली है। तो मीन राशि वालों, अब आप देख लीजिएगा, आप उससे पहले से आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बननी शुरू हो गई होंगी जिसके आपको जो है परिणाम या संकेत दिखने शुरू हो गए कि आपका जो जीवन का ढर्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट गोचर 2 नवंबर को होने वाला है, वो है शुक्र महाराज का, और शुक्र महाराज का जो मिलन होना है वो केतु के साथ होना है आपके सप्तम स्थान में। यहाँ पर केतु जब सप्तम स्थान में जाते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में नीरसता का भाव लेकर के आते हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा, और पूरे 18 महीने इस तरह की परिस्थितियाँ जो है दाम्पत्य संबंधों में आपको देखने को मिलेगी कि उस लेवल का प्यार, उस लेवल का रोमांस थोड़ा सा खत्म हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है या व्यक्ति का जो फोकस है या उसकी अभिलाषाएं हैं वो आध्यात्मिक जगत में उन्नति की ओर बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, परंतु 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र महाराज के इनके साथ मिलन होने वाला है तो फिर वही दाम्पत्य सुख में जो है आपको पूरे महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छी परिस्थिति आपके जीवन में खड़ी कर देंगे, और सप्तम स्थान में जब शुक्र महाराज जाते हैं तो व्यक्ति को जो होता है वो उसके दशम स्थान को भी एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसलिए आपका जो है सुखदपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, कार्य व्यवसाय काम धंधे के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, खासतौर पर व्यापार के लिए बिजनेस के लिए शुक्र की ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, लग्जरीस आइटम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति मीन राशि वालों के लिए ये लेकर के आएंगे। जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणियाँ हैं, उनके लिए भी ये गोचर जो है वो अच्छा रहने वाला है, उनका सौंदर्य में निखार यहाँ पर देखने को मिलेगा, पति पत्नी में पत्नी पति के साथ जो है सामंजस्य बैठ जाएगा, संतान की तरफ से जो है खुशियाँ मिलती हुई नजर आएंगी, धन के संबंध में जो परेशानी आपको चल रही होंगी, जो आपका हाथ टाइट था, काफ़ी समय से पैसों की कमी आ रही थी, तो शुक्र का सप्तम स्थान में जाना आपका मांगल्य सुख को वृद्धि बढ़ाएगा। परंतु थोड़ी सी दिक्कत आपको 16 नवंबर तक देखने को मिलेगी, जो मीन राशि के जातक हैं, कोई आप पे कलंक लग सकता है या कोई आपका जो सीनियर है, चाहे बॉस है या उसके अलावा सरकार की तरफ से कोई ना कोई कष्ट कलेश की परिस्थितियां आपको बन सकती है, क्योंकि सूर्य आपकी अष्टम स्थान में नीच का होकर के बैठा है तुला राशि में, तो थोड़ी दिक्कतें स्वास्थ्य संबंधी हो सकती हैं, नेत्र विकार हो गया, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स होगी, पिता के साथ अनबन हो जाना, पिता को कष्ट हो जाना, उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सरकार की तरफ से कोई ठेका आपने लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो उसमें थोड़ा सा विघ्न बाधाएं हो सकती हैं, थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, काम सही समय पर ना बने, आपके बॉस है, बॉस के साथ कोई दिक्कतें बन जाए, तो 16 नवंबर तक का आप समय थोड़ा सा शांतिपूर्वक निकाल दीजिए। उसके बाद सूर्य महाराज जो है वो आपके भाग्यस्थान में चले जाएंगे और वहाँ पर मंगल भी इनके साथ चले जाएंगे, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त परिस्थिति उसके बाद आपकी बनने वाली है। तो नवंबर में लगभग जो है वो 15-16 नवंबर के बाद जैसे ही संक्रांत का के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए, तो ये उत्तम परिस्थितियाँ आपके लिए इस समय जो है वो बनी हुई हैं मीन राशि वालों के लिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, राहु का परिवर्तन आपके धन स्थान से निकल गया है, कुटुंब भाव से निकल गया है, अब आप किसी पर आश्रित तो नहीं रहेंगे, लगभग 18 महीने का समय ऐसा है कि अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें अब आपके हिसाब से चलेंगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। और लगभग 15 दिन का समय है जब तक सूर्य अष्टम स्थान में है, तो थोड़ा सा आप जो है उसको शांतिपूर्वक निकाल दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।